भारत चलने का है, टाटा बरहमपुर का सीकर उसका उद्घाटन होगा, तो उसको देखने आएगा कि कहाँ पे रखेंगे रेक को, कहाँ पे इनॉग्रेशन फंक्शन करेंगे, वो सारा देखने आए। वो डेट रेलवे बोर्ड फाइनल करेगा, सीकर होने का चांस है, बट अभी डेट एग्जैक्ट आया नहीं। नहीं नहीं आप देखिए, इतना बड़ी इस साइड इतना अच्छा आपका एरिया है, तो दोनों बहुत बढ़िया है, दोनों साइड है। और अभी एक वंदे भारत बड़ी प्रेस्टिजियस ट्रेन यहाँ पे आ गया, टर्मिनेट ओरिजिनेट होगी इसको, तो बरहमपुर को तो बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। देखिए ये सब अभी रेलवे बोर्ड से डिसाइड होता है, तो वो भी फाइनल होने दीजिए। नहीं अभी तो नहीं है, हमारे पास वाटरिंग का नहीं है, तो इसका अरेंजमेंट हम रास्ते में कहीं करेंगे। बहुत ऊंचा पदक्षेप नहीं चलती केंद्र सरकार, जोटा कि ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଯାହା ହଉ ଜନସାଧାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡାକ ଯଦି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବ କରିଡ଼ା ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଉପକୃତ ହେବ। ଗରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ବରହମପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ନାହିଁ, ବରହମପୁର ଆଗରୁ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଲାସା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଛି, ବରହମପୁର ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରେନ୍ ହେବା କଥା। ବରହମପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦାବି ହେଲା ପରେ ମେମୋ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ହାତକୁ ନେବେ।